वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS RRB का जो पेपर हुआ है उसमें फेसिंग इनसाइड और आउटसाइड पर जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया है इसकी बात। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यानपूर्वक आप इसको देखें क्योंकि कंडीशंस यहाँ पर काफ़ी सारी बन जाती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि 8 पर्सन हैं जो कि इनसाइड और आउटसाइड जो है इस कंडीशन पर आधारित पूरा प्रश्न है। MNOPQRST ये लोग हैं जो कि सर्किल में बैठे हैं जिसमें कुछ लोग फेसिंग टू द सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। 8 लोगों को आपको यहाँ पर अरेंज करना है। कुछ लोग जो सेंटर होता है इसकी ओर देख रहे हैं, कुछ लोग सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो 8 लोग, जैसे 2 लोग यहाँ पर बैठ गए हैं तो 2 लोग ये बैठ गए हैं, 4, 2 लोग ये, 6 और 2 लोग ये, 8 लोग। 8 लोग बैठा दिया। सेंटर का मतलब है कि ये जो सेंटर है इसके साइड में लोग बैठकर फेस कर रहे हैं, ओके, जिनको हम कहेंगे फेसिंग टू द सेंटर। और सेंटर के अपोजिट साइड की अगर मैं बात करूँ तो फेसिंग टू द आउटसाइड। अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है जिसमें लिखा है ओ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। आर के सेकेंड राइट में ओ बैठता है और फिर लिखा है हु यूज़ होगा आर के लिए, आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। तो इस कंडीशन से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आर को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और आर का जो फेस है वो किधर है, सेंटर की ओर है, और ओ जो है सेकेंड राइट में बैठा है आर के। तो आर के सेकेंड राइट में फर्स्ट और सेकेंड राइट, यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओ। इसके बाद एक पॉइंट लिखा है, लिखा है देयर आर 2 पर्सन्स इन बिटवीन ओ एंड एन। मतलब ये कि ओ और एन के बीच में 2 पर्सन बैठेंगे। तो देखो ओ यहाँ पर है तो आप देखो 1 और 2 पर्सन, यहाँ पर आप एन को रख सकते हो, और ओ अगर यहाँ पर है तो 1 और 2, यहाँ पर भी आप एन को रख सकते हो। मतलब 2 पॉसिबिलिटी बन गई। तो 2 डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं। सेम जो अभी तक डेटा हमने यूज़ करा है उसको आप यहाँ पर भी लिख लें, ताकि दोस्तों आपको क्वेश्चन 2 पॉसिबिलिटी से ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे, इसमें हम काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ कट भी करते चलेंगे। आर यहाँ पर है तो सेकेंड राइट में ओ आपका आ गया, आर का फेस सेंटर था। तो एक बार मैंने क्या लिया, ओ और एन के बीच में 2 लोग हैं तो 1 और 2 लोग, यहाँ पर मैंने एन को रख दिया। यहाँ पर ओ है तो 1 और 2 पर्सन, तो यहाँ पर मैंने एन को यहाँ पर रख दिया, ओके। इसके बाद दोस्तों कहा गया है एस सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, ओके। एस जो है वो ओ के सेकेंड राइट में बैठता है। तो अगर ओ यहाँ पर बैठा हुआ है तो ओ के सेकेंड, अगर मैं ओ का फेस आउटवर्ड कर दूँ, एज्यूम कर लो कि मैंने आउटवर्ड कर लिया, तो फर्स्ट और सेकेंड क्या यहाँ पर एस बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब मैं फोर्सफुली ओ का फेस सेंटर की ओर करूँगा और ओ के सेकेंड राइट में फर्स्ट और सेकेंड राइट में यहाँ पर मुझे क्या रखना होगा, एस को इस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड वाले में। यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन है कि ओ को आप आउटवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ओ को आउटवर्ड कर दिया तो यहाँ पर आर है तो यहाँ पर एस तो बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि ओ के सेकेंड राइट में कौन बैठेगा, एस बैठेगा। तो ओ का फेस किधर होगा, सेंटर की ओर होगा, और फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एस, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं पॉइंट्स की यहाँ पर बात करूँ, इसमें लिखा हुआ है टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन। एन के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, टी बैठेगा, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि एन के इमीडिएट राइट में, अब यहाँ पर एन बैठा हुआ है, अब एन का इमीडिएट राइट, अगर मैं एन का फेस सेंटर की ओर कर दूँ, इस वाले डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर इस ये वाले पॉइंट पर, तो अगर मैं यहाँ पर एन का फेस सेंटर की ओर कर दूँ तो इमीडिएट राइट में आर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर तो नहीं बैठ पाएगा टी। तो इसलिए एन का फेस किधर करना होगा आपको, एन का फेस आउटवर्ड यहाँ पर करना होगा, और इसके इमीडिएट राइट में यहाँ पर कौन बैठ पाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा टी, ठीक है। ये कंडीशन है क्वेश्चन की। अब इस वाले डायग्राम पर आ जाओ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं एन का फेस जो है यहाँ पर आउटवर्ड रखता हूँ बाहर की ओर, तो इसका इमीडिएट राइट क्या होगा, एस यहाँ पर बैठेगा, लेकिन यहाँ पर टी नहीं आ पाएगा, क्योंकि लिखा है कि एन के इमीडिएट राइट में कौन आएगा, टी आता है। तो एन का फेस बाय डिफॉल्ट क्या मुझे करना पड़ेगा, सेंटर करना होगा, तभी मैं इसके इमीडिएट राइट में यहाँ पर किसको बैठा पाऊँगा, टी को कर पाऊँगा। ये इन दोनों डायग्राम को मुझे पैरेलल दोस्तों बनाना पड़ेगा। अब आगे की बात करते हैं। इसमें लिखा है एस एंड एन आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। एस और एन जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अब देखो एन जो है सेंटर की ओर फेस कर रहा है, तो ये किधर हो जाएगा, एस बाहर की ओर हो जाएगा। इस वाले डायग्राम में देखो एस बाहर की ओर कर रहा है, तो एस किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर की ओर, ओके। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसमें लिखा है देयर आर 3 पर्सन्स इट मीन बीन पी एंड क्यू। मतलब कि पी और क्यू के बीच में 3 लोग बैठेंगे, 1, 2, 3। तो ये कंडीशन आपकी बनेगी। तो आप देखो पी को अगर आप यहाँ पर रखते हो तो 1, 2, 3 यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अगर मैं
पी को यहाँ पर रखता हूँ तो एक दो तीन यहाँ पर, मतलब कि पी और क्यू इन दोनों में से यहाँ पर ही कोई ना कोई बैठेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसमें एक पॉइंट आगे लिखा हुआ है, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर अभी थोड़ा रोक लेता हूँ, क्योंकि दो बार मैं यहाँ पर लेकर नहीं चलूँगा, क्योंकि मुझे पता है पी यहाँ पर आएगा या तो क्यू यहाँ पर आएगा या क्यू यहाँ पर या पी यहाँ पर, तो अभी इसको रोक लो। उसके बाद आप यहाँ पर भी देख लो, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी कि P और Q के बीच में तीन पर्सन बैठने, P को यहाँ पर बैठा लोगे एक दो तीन, Q यहाँ पर आएगा, अगर मैं Q को यहाँ पर बैठा लूँगा एक दो तीन, यहाँ पर P आ जाएगा, यहाँ कहीं पर आपका P और Q नहीं बैठ पाएगा। ओके, इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है N sits second to the right of P। इस बात से हमारा N का प्लेसमेंट जो है वो फिक्स हो जाएगा कि N जो है वो P के सेकेंड राइट में बैठेगा। अब दोस्तों N यहाँ पर है, अगर मैं P के सेकेंड राइट की बात करूँ तो अगर मैं P को यहाँ पर बैठा देता हूँ, एज्यूम कर लो P को मैं यहाँ पर बैठा लूँ और P का फेस साउथ ये आउटवर्ड कर दूँ, तो P के सेकेंड राइट में फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर N बैठ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर और है, ये कहती है कि P एंड M आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ R, R के आसपास में ना तो P बैठेगा ना तो यहाँ पर M बैठेगा, तो P और M तो यहाँ नहीं बैठेंगे। इसका मतलब कि अब या तो P यहाँ पर आएगा या तो P यहाँ पर आएगा, लेकिन ये वाली जो कंडीशन मैंने आपको बताई है कि N sits second to the right of P, P के सेकेंड राइट में N बैठता है, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट P को यहाँ पर रखना पड़ेगा और P के सेकेंड राइट में N को बैठाना है, तो P का फेस किधर होगा, P का फेस यहाँ पर होगा सेंटर की ओर। तो देखो P के सेकेंड राइट में फर्स्ट सेकेंड राइट में आपका N यहाँ पर बैठ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सेट करेंगे और आपका केवल M बचेगा, तो M आपका यहाँ पर आ नहीं सकता, तो M कहाँ पर आएगा, M यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और आपका एक Q बचेगा, Q कहाँ पर आएगा, Q आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक ही पर्सन बचा है। अब आ जाते हैं इस वाले डायग्राम में, सेम फंडा यहाँ पर भी मुझे अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमें ये करना है कि सबसे पहले P और Q वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, लेकिन उससे पहले जो मैंने ये बताई कि N sits P के इमीडिएट राइट में N को बैठाना है, तो N ये बैठा हुआ है यहाँ पर। ओके, N हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है और हमें P के इमीडिएट राइट में बैठाना है, तो अगर आपने P यहाँ पर ले लिया तो R के आसपास में P और M नहीं होना चाहिए, तो P यहाँ पर भी नहीं होगा और M यहाँ पर भी नहीं होगा, तो P कहाँ पर होगा, P मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा। और P के इमीडिएट राइट में N sits second to the right of P, N के N जो है वो P के second right में बैठेगा, तो P का face किधर रखना होगा, center की ओर रखना होगा, तभी तो इसका second right, first और second right, ठीक है, ये आपका क्या पाएगा, यहाँ पर ये N आ पाएगा। ओके, यही चीज़ दोस्तों यहाँ पर ट्रिक है, तो आपने यहाँ पर इसको प्लेस कर लिया। अब आपका नेक्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या क्या बचता है, इसमें लिखा है P एंड M आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ R, तो देखो R के आसपास में P और M नहीं बैठ सकते, दो ही पोजीशन बची है, एक पोजीशन ये एक पोजीशन ये, पर्सन केवल आपका M और Q बचता है, तो अगर आप M को यहाँ पर रख देते हो, ओके, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर M को रख देता हूँ तो ये R के बराबर में हो जाएगा या तो यहाँ पर रखूँगा, तो इस वजह से ये वाला डायग्राम मेरा गलत हो गया। ओके, अब जैसे ये डायग्राम गलत हो गया तो जो पहले वाला था वो डायग्राम ठीक होगा। डायरेक्शन सबकी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसमें मुझे इसकी डायरेक्शन इन सेंटर मालूम है, ये भी इन सेंटर है, ये भी इन सेंटर है, ये आउटवर्ड है, ये इन सेंटर है। अभी किसकी दो की डायरेक्शन नहीं पता है, टी और क्यू की। एक पॉइंट यहाँ पर अगर आप पढ़ते हो, इसमें ये वाला पॉइंट लिखा है कि बोथ टी एंड क्यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओ। एक आप बात कहोगे कि सर क्यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो क्यू जब एम के सेकेंड राइट में बैठेगा तो एम का फेस मुझे किधर करना पड़ेगा, M के सेकेंड राइट में, तो M का फेस मुझे इधर करना होगा, तभी तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड में आपका Q बैठ पाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, तो M की डायरेक्शन भी यहाँ से मेरी कंफर्म हो जाती है। एक पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि बोथ T एंड Q फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ O, O का फेस इन सेंटर है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में T और Q के फेस होंगे, तो जब ये इसका सेंटर के इनसाइड में है तो इनका किधर हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, सेंटर के बाहर की ओर ये आपका दोनों हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन में क्या था क्या नहीं था। आसान क्वेश्चन था, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन भाई है कि जो पॉसिबिलिटीज़ दी हैं इनको अगर आप माइंड में कैलकुलेट करके चलोगे तो आपको डायग्राम कम बनाने पड़ेंगे, ये इन्फॉर्मेशन को कहीं पर लिखना नहीं पड़ेगा, इस वजह से क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैंने आपको इलेबोरेट करा है, इस वजह से यहाँ पर टाइम लगा है, नहीं तो एग्ज़ाम में दोस्तों हम 3 to 5 minutes एनफ हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसका जो सही अरेंजमेंट है वो ये वाला है जो मैंने यहाँ पर आपको बना कर
डेटा दिखाया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना कि एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा अगर इस तरह के क्वेश्चन में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो पहले आप उन क्वेश्चंस को बनाएं जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो जल्दी बन जाएंगे, उन पर आप अपना फोकस करें। दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट दी, आप इनको देखें, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहें और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।